Hi everyone. I hope am I clearly visible and audible? Just connect with another device and we'll quickly start. Hi everyone. Let's mention all so we can start quickly. I'm just sharing the live link so all can join. Hi everyone. Please let me know, am I clearly visible and audible? Okay, great. I think I am clearly visible. Let me check into the another device. So, aaj ki recipe is something special. I mean, मुझे लगता है ये recipe सबको ही पसंद है. ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ये recipe नहीं पसंद होगी. Okay, great. Okay, great. Let's start. Okay, so hi everyone, welcoming you all on the Amul's page. And summers start हो रहे हैं. Mango हमारा सबका favorite है. तो इसी से related आज recipe बनाने वाले हैं. ये सबसे common recipe है mango की, जो I think हम सबको ही पसंद होती है. तो आज हम मैंगो शेक बनाएंगे कैफे स्टाइल में, जितना थिक बनता है. सारे इंग्रेडिएंट्स होममेड होने वाले हैं. सारे इंग्रेडिएंट्स अमूल ब्रांड के हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हो सकते हैं. दो मेजर इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे, एक अमूल का मिठाई मिल्क एंड दूसरा अमूल का मिल्क. तीसरा हमारा अमूल फ्रेश क्रीम यूज होगा एंड मैंगो. ये कुछ ही इंग्रेडिएंट्स है जो हम यूज करने वाले हैं. सो बिफोर गोइंग अहेड फॉर द चिल्ड इंग्रेडिएंट्स, हम स्टार्ट करेंगे पहले तो मैंगो की चॉपिंग से. एक बेसिक हम प्यूरे बनाएंगे विच यू कैन स्टोर अप टू द आई थिंक मोर देन अ वीक, बिकॉज मेरे यहाँ पे वीक भी नहीं चलता है. सो आई थिंक मोर देन अ वीक. सिंपली मैं मैंगो को चॉप कर रही हूँ. मैं सारे स्लाइसेस जार में ऐड कर दूंगी. दिस इज इजीएस्ट टेक्निक टू कट मैंगो एंड आई थिंक यू ऑल कैन ट्राई. और कार्विंग नाइफ, रेगुलर फंडे, जो भी आप लोग यूज करते हो यू कैन यूज.
सो ये जो शेक है बेसिकली घर में हम जो शेक बनाते हैं वो काफी फाइन बनता है, जो मिल्क की कंसिस्टेंसी रहती है उसे थोड़ा ही हार्ड बनता है, थोड़ा ही थिक बनता है, बट आज क्रीमी भी बनेगा एंड उससे ज्यादा थिक भी बनेगा जो एक्चुअली कैफे स्टाइल बनता है विदाउट प्रिजर्वेटिव हम कैसे बना सकते हैं आज हम वो सीख रहे हैं। हाय टीनू, हाउ आर यू? हाय एवरीवन, प्लीज रिकमेंड अगर किसी का कमेंट मिस हो जाता है। जर्नली मैं लाइक के बाद सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे देती हूँ बट कई बार मिस भी हो जाता है, सो यू कैन रिकमेंड। मैंने यहाँ पे सारा पल्प यूज कर लिया है। हमें यहाँ पे दो टाइप में मैंगो लेंगे, एक छोटे चंक यूज होने वाले हैं जो मैं, और एक मैंगो है जिससे कट करूंगी एंड इससे मैं सारा पल्प निकाल के इसका एक बेस रेडी करेंगे जो हम दो तीन टाइप से शेक बना सकते हैं उसके लिए यूज करेंगे। ये स्मॉल मैंगो है, इट्स मोर राइट, ये ज्यादा राइट है तो इसे यूज करूंगी मैं फॉर द चंक्स। तो चंक्स वाले पार्ट के लिए सिंपली मैं इसे डाइस कर लूंगी एंड आई जस्ट पील इट ऑफ व्हेन आई नीड। हमें इसे ग्लास में ही डालना है सो डायरेक्टली आई जस्ट पील इट ऑफ एंड मैं ग्लास में सारे चंक्स डाल दूंगी फॉर द बेस। ये प्रेजेंटेशन वाले पार्ट के लिए यूज होगा। एक और स्लाइस ले लूंगी मैं एंड सेम स्मॉल चंक्स क्रिएट करेंगे और रफली चॉप्ड आप लोग डाल सकते हो, बिग चंक्स डाल सकते हो, फ्रोजन मैंगो यूज कर सकते हो बट इट्स अ सीजन ऑफ मैंगो तो आई थिंक एवरीवन शुड यूज फ्रेश। सो आई जस्ट थॉट टू क्लीन माई हैंड्स, बहुत मैसी हो जाते हैं मैंगो कट करते, इसलिए आई स्पेशली वेयर ग्लव्स लाइव में स्पेशली वेयर करती हूँ सो दैट सारी चीजें मैसी ना हो और इजिली हैंड्स क्लीन हो जाए। सो सबसे मेन इंग्रेडिएंट हमारा ये रहा, सॉल्ट दे देना किचन से। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारा मैंगो था, मैंने एक फुल मैंगो लिया है। यहाँ पे मैंने कैन ऑन कर लिया है, ओपन कर लिया है मिठाई मेट का एंड सिंपली मैं एक मैंगो में अप्रोक्स 2 टेबल कंडेंस्ड मिल्क यूज कर रही हूँ। पूरा कंडेंस मिल्क एक बार में यूज नहीं हो सकता है तो आई डोंट प्रिफर टू ओपन कंप्लीट कैन, आई जस्ट वेट। एक बोल दे दिस, मैं इसमें ऐड करूंगी पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट बड़ा हो चाहिए। पिंच ऑफ सॉल्ट विल हेल्प टू इम्प्रूव टेस्ट एज वेल शेल्फ लाइफ ऑल्सो। ओके, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट या समथिंग रिप्लेसमेंट इनटू द कमर्शियल लैंग्वेज मेंशन होता है। हाय हाय पूजा, हाउ आर यू? हाउ इज मुंबई? एंड मैं अभी से ब्लेंड कर लूंगी।
सो नाउ यहाँ पे प्यूरे रेडी हो गया है. अभी प्यूरे वन टाइम के लिए यूज नहीं होने वाला है, तो इसे मैं इसमें से कुछ पार्ट रिमूव कर लूंगी. ये ऑलमोस्ट 4 to 5 ग्लासेस के लिए इजिली यूज हो सकता है, यही बेस विद द रियल मैंगो फ्लेवर. तो मैं इसे हाफ निकाल लूंगी. मैं 1 ग्लास बना रही हूँ फॉर द हैवी फ्लेवर लाइक दिस. मैं इतना पार्ट यहाँ पे यूज कर रही हूँ और इससे इजिली 2 बड़े ग्लासेस यूज हो जाएंगे. मैं इतना बड़ा ग्लास बना रही हूँ, अराउंड ऑफ 200 ml. एंड यहाँ पे मैं ऐड करूंगी हैवी क्रीम प्लस फ्रेश क्रीम. मैंने मिक्स करके रख दी थी चिल्ड होने के लिए. इट्स कम्प्लीटली लिक्विडी. अब एक बात बता देती हूँ, जो हैवी क्रीम होती है इट्स नथिंग बट अ लिक्विड व्हिपिंग क्रीम विच इज वेरी थिक. एंड ये बेस हेल्प करता है शेक्स को थिक बनाने में. कमर्शियली भी यही चीजें यूज होती हैं. तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच अराउंड यूज करूंगी. क्वांटिटी की बात करूं तो 1/4 कप मेरा है, सॉरी 1/3 कप मेरा क्रीम है प्लस इसमें फ्रेश क्रीम है 2 to 3 tablespoons. यहाँ पे 3 tablespoons मैंने डाल दिया. स्पून छोटा था इसमें 4 spoons डाले हैं. एंड यहाँ पे मैंने क्रीम ले लिया है, एक बोल दे दो और सीजन. ऑल वंडरफुल, ग्रेट ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू. एंड यहाँ पे मैं यूज करूंगी अमूल मिल्क. ओके, फुल फैट भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, फुल फैट बहुत अच्छा लगता है. मैंने अंदाजन ये लिया है, अंदाजन मिल्क लिया है इसमें. एंड इसे अब हम ग्राइंड करेंगे. हम और कोई इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करेंगे एक्सेप्ट 1 मेजर इंग्रेडिएंट विच इज आइस. आई जस्ट टेक इट आउट. सो मैं यहाँ पे जस्ट 2 chunks ऑफ आइस यूज कर रही हूँ. आप 3 से 4 रफली क्यूब्स डाल सकते हो, ये बड़े क्यूब्स हैं. एंड दिस विल अगेन हेल्प कि बटर सेपरेट नहीं होगा मिल्क से, वरना हम ब्लेंड करते हैं तो बटर सेपरेट हो जाता है मिल्क से, विच इज टेस्ट वेरी ग्रीसी, मिल्क शेक वाला फील नहीं आता. सो प्रेफर दिस टेक्निक. 10-10 seconds के हम 3 blends करेंगे जिससे बटर भी सेपरेट नहीं होगा एंड मिल्क शेक भी परफेक्टली बन जाएगी. चुके हैं एंड लेट सी द रिजल्ट्स. जस्ट अ सेकंड, आई नीड स्पैचुला, आई विल ब्रिंग इट. And let's see the results now. एक नॉर्मल स्पून में and let's see the thickness of shake. Look at the thickness.
इससे ज्यादा थिक चाहिए, मिल्क कम कर दो, बेस बढ़ा दो. दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक. मैंने जो आज रेसिपी बनाई है इट्स विद द वन मैंगो, जिसमें से मेरा जो बेस है वो स्टिल आई हैव एंड यू कैन सी द क्रीमीनेस ऑफ दिस. मैंने इसे ज्यादा ब्लेंड नहीं किया, इसमें स्टिल चंक्स हैं. इसका रीजन ये है आप बहुत ज्यादा ब्लेंड करके रख दोगे, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आप फ्रिज में स्टोर करो या बाहर स्टोर करो, इसमें हल्का सा मॉइस्चर के कारण बैक्टीरिया क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए एंड इट विल बी मेस्ड अप. तो प्रिफर इट कि चंक्स होल्ड रखें एंड आप फ्रीजर में इसको सेट करके रखें. आप क्यूब्स बना के यूज कर सकते हो एंड देयर आर मल्टीपल वेज. नाउ आई जस्ट पुट 2-3 ice cubes into the glass. After the ice cubes, just pour. मैं थोड़ा top तक fill करूँगी. After this, I have whipped cream. Whipped cream. जनरली हम जब टीयर बनाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आता है ऑन द शेक्स और कॉफीज, तो आज एक और टेक्निक बताती हूँ. सिंपली व्हिप क्रीम ली है, अभी एसी ऑन था इसलिए बाहर है. जनरली प्रिफर इट टू कीप इट इन टू द फ्रिज. नाउ व्हाट विल डू, फर्स्ट लेयर कैसे क्रिएट करनी है वो देखते हैं. सिंपली कॉर्नर्स यूटिलाइज करिए एंड गो इन साइड, लीव इट ओवर हियर. आफ्टर दिस हम दूसरा टीयर स्टार्ट करेंगे. बहुत इजीली बन सकता है, बहुत इजी है क्रिएट करना. एंड इफ यू वांट स्टिल सम मैंगो चंक्स ऑन द टॉप. हमने बेस में भी चंक्स इसीलिए डाले थे ताकि चंक्स का जो मैंगो का रियल फ्लेवर है वो आए, बिकॉज मेजर ऑफ शेक्स बनने के बाद में नहीं आता है. एंड हियर वी आर गुड टू गो विद द सुपर इजी रेसिपी ऑफ द डे. यू कैन सी स्टिल लेयरिंग है जस्ट बिकॉज ऑफ आइज एंड थिकनेस ऑफ शेक. अभी तक शेक यहाँ पे फिल नहीं हुआ है. एंड हियर इज द रिजल्ट्स ऑफ द डे. I hope recipe easy लगी हो and summer special है तो do give a try. Written recipe के लिए just follow me on Instagram and Facebook. I'm going to share a reel and a review of taste of this shake. थोड़ा बहुत shoot करके cute से pictures डाल के I'll try this and I'll share the review with you guys. So see you soon in the next one. Thank you so much everyone for joining. Enjoy summers, be safe, घर पे रहो, ठंडा वगैरह खाओ, enjoy करो, explore the recipes and have a fun, have a great summers. Let's see the close-up. Look at the shake. Look at the cream का जो perfect texture आना चाहिए वो, as well thickness of shake. जिसके कारण शेक नीचे तक नहीं गया, यू कैन सी. थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू. एंड लुक एट द बबल्स. यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, टेक्सचर ऑफ दिस शेक, जो बबल्स आए हैं इट विल गिव यू एक्चुअल फ्लेवर ऑफ एंड यू नो एक्चुअल टेस्ट ऑफ शेक. सो डू गिव अ ट्राई. चीयर्स टू अस एंड हैव अ हैप्पी समर्स. सी यू सून इन द नेक्स्ट लाइव. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू मधु, थैंक यू सो मच. Thank you everyone, thank you Tinu, thank you Pooja. Keep supporting guys, lots of love, thank you for joining. Jaldi milte hain next recipe ke saath. Lots of love, follow me for more on Instagram. Thank you, lots of love, bye bye.